विश्व विख्यात शक्तिपीठ नैना देवी में जमकर मेघ बरसे। तेज बारिश के कारण जीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त हो गया है। हालांकि पिछले दो दिनों से लगातार रुक रुक कर हो रही बारिश में जहां पर क्षेत्र के तापमान में काफी गिरावट दर्ज की है, वहीं पर पूरा क्षेत्र ठंड की चपेट में आ गया है, जिसके चलते श्रद्धालुओं व स्थानीय लोगों को भी काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। विश्व विख्यात शक्तिपीठ श्री नैना देवी में जमकर मेघ बरसे। तेज बारिश के कारण जीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त रहा, जबकि पिछले दो दिनों से लगातार रुक रुक कर हो रही बारिश में जहां पर क्षेत्र के तापमान में काफी गिरावट दर्ज की गई, वहीं पर पूरा क्षेत्र ठंड की चपेट में आ गया है, जिसके चलते श्रद्धालुओं व स्थानीय लोगों को भारी परेशानी का सामना भी करना पड़ रहा है। हालांकि श्री नैना देवी के आसपास की पूरी पहाड़ियां बादलों से ढक गई हैं और क्षेत्र में धुंध होने के कारण विजिबिलिटी कम है, जिससे श्रद्धालुओं को गाड़ी चलाने में काफी दिक्कत हो रही है। हालांकि ठंडी और तेज हवाओं के कारण मंदिर में श्रद्धालुओं की संख्या में काफी कमी आई है। दुकानदारों का कहना है कि पिछले दो दिनों से तेज बरसात और ठंडी तेज हवाओं के कारण धंधा पूरी तरह से चौपट हो चुका है और दुकान खोलना और बंद करना बस यही काम बाकी बचा है। इसके अलावा इस बरसात के कारण हुई ठंड के कारण स्थानीय लोगों ने गर्म परिधान निकाली है, जबकि किसानों ने खुशी व्यक्त की है। किसान बग्गा राम, रतन कुमार और बालू राम कह रहे हैं कि ये बरसात फसल के लिए बहुत अच्छी है और इससे गेहूं की फसल अच्छी होने के आसार पैदा हो गए हैं। नैना देवी में आज दो दिन से बारिश हो रही है, खूब ठंडी हो गई है, धूप इतनी ज्यादा पड़ रही है कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। श्रद्धालु बहुत कम हो चुके हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं, और सर्दी तो खूब हो रही है, प्रचंड से हो रही है सर्दी, और मार्ग द्रवा में भी छम छम बारिश हो रही है जोरों से।